एक बार फिर से बस एक्सीडेंट हुआ। बनारस से बेंगलोर जा रही बस मनगमा के पास खड़े ट्रक से भिड़ी। 10 से 11 लोग हुए घायल, सभी की हालत बेहतर बताई जा रही है। तीर्थ दर्शन करके बनारस से बेंगलोर जा रही बस आज सुबह लगभग 5 से 6 के बीच मनगवा के पास खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसकी वजह से बस में सवार लगभग 10 से 11 लोग घायल हो गए थे। बस में 49 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनको उपचार के लिए तत्काल ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। सभी घायलों का उपचार किया गया। एक दो लोग को छोड़कर बाकी सभी की हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। हम आपको बता दें, बेंगलोर से तीर्थ यात्रियों का एक दल आया था बनारस। यहाँ उन्होंने मंदिरों में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद देर रात बनारस से बेंगलोर के लिए रवाना हुए। आज सुबह मनगवा के पास उनकी बस खड़े ट्रक से जा टकराई। बस में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से बस आगे का सफ़र करने लायक नहीं है। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, DIG नवनीत भसीन को जैसे ही बस दुर्घटना की जानकारी हुई, तत्काल ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की, डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। बेहतर बात, इस दुर्घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। सभी घायल फिलहाल बेहतर स्थिति में। 10-11 लोगों को कुछ ज़्यादा ही चोट आई थी, लेकिन उन सबका उपचार करा दिया गया है। फिलहाल कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। एक आध दो लोग को चोटें हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी अंडर कंट्रोल है। इस एक्सीडेंट को लेकर हमने कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, एक्सीडेंट हुआ है, सभी घायल बेहतर स्थिति में हैं। हम दूसरी बस का इंतज़ाम कर रहे हैं, जो इन सभी तीर्थयात्रियों को उनके घर तक छोड़ कर आएगी। अगर कोई घायल यहीं पर अपना उपचार कराना चाहेगा, तो उसका इंतज़ाम भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। वहीं बस में सवार यात्री, जिनको हिंदी ठीक से नहीं आती थी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। हम जानना चाहते थे आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। उनका कहना था, हम लोग बेंगलोर से चले थे बनारस के लिए। हम लोगों ने बनारस घूमा, दर्शन किए, उसके बाद देर रात हम लोग बेंगलोर के लिए रवाना हुए। रास्ते में सुबह हमारी बस का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल सभी लोगों की हालत बेहतर है। सुनिए कलेक्टर रीवा और यात्री क्या कुछ कह रहे हैं इस एक्सीडेंट को लेकर। क्या नाम तुम्हारा? राजेश। ये बस कहाँ पड़ती है? और इसलिए मैं रास्ते में सीधा आ गए, और लारी से पीछे मैं आ रहा हूँ, वो लेफ्ट साइड में, और एक ट्रक में मैं आ रहा हूँ लेफ्ट साइड, और दूसरा ट्रक है ना, ट्रक में एक 10 व्हील ट्रक को वो ख़राब हो गए, तो कड़ा कर दिया ट्रक को, स्टॉप कर दिया मैं और ट्रक को पीछे से ट्रक वाला इनके ठोकर मारा। ये कहाँ घटना हुई है? सर मारने 49 आदमी है बस में, 49 सर। कृष्णमूर्ति वाराणसी से बेंगलोर जाता है, कर्नाटका। इधर से वाराणसी देखने के लिए आया, और देखने के लिए मंदिर पूरा टूरिज्म करने, बाद में फिर बेंगलोर जाए। बेंगलोर की ये एक यात्री बस थी, जिसमें तीर्थयात्री बनारस दर्शन को गए थे, लौट रहे थे, तो मनगवा के पास इनकी टक्कर हो गई है एक ट्रक से। अच्छी बात यह है कि कोई भी ज़्यादा गंभीर घायल नहीं है, तो जो 10-11 लोग थोड़े घायल हैं उनको यहाँ लाया गया है और उनका उपचार कर दिया गया है। हम लोग दूसरी बस की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जो तीर्थयात्री हैं इनको वापस अपने घर पहुँचाया जा सके।